क्या नाम है आपका? श्री मैन मोहन भारती, सचिव श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा। ये बताइए, हाथरस की जो घटना हुई है उसको लेकर के क्या कहें? हाथरस की घटना अत्यंत दुखद है और जितने भी लोग वहाँ पर भ्रमलीन हुए सबके प्रति हार्दिक संवेदनाएं जूना अखाड़े की तरफ से, उनके आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। और ये जो घटना है अत्यंत दुखद है, आयोजक और प्रशासन के बीच में समन्वय की कमी थी और ऐसे आयोजनों से प्रशासन के साथ समन्वय करके पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, इसलिए कमी जितनी प्रशासन की है उतनी आयोजकों की भी मैं मानता हूँ। और जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि सनातन की परंपराओं का पालन करते हुए अंधविश्वास के प्रति सचेत रहे, पाखंड से बचे और अंधविश्वास को बढ़ावा न दे और अपने इष्ट देवता की पूजन करें, न कि तथाकथित ऐसे बाबा जो स्वयंभू भगवान अपने को मानते हैं उनको बढ़ावा ना दे। जिस तरह से वो धर्मगुरु थे उनका एक प्रचार चल रहा था, सत्संग आज चल रहा था उनका, उसको लेकर के कहा जाता था कि लोग उनको बाबा मानते थे, क्या कहेंगे उसको? लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, उसका फ़ायदा ऐसे तथाकथित लोग उठाते हैं जो धर्मगुरु का चोला पहन लेते हैं, न किसी संस्था से जुड़ा होते और मनमुखी ऐसे साधुओं को कहते हैं, और इनसे हमेशा बचना चाहिए। जनता में आपसे भी अनुरोध है सोशल मीडिया के द्वारा, नेशनल मीडिया के द्वारा कि एक जागरूकता अभियान चलाएं और ऐसे अंधविश्वास को बढ़ा देने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनका बायकाट करें। इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस घटना के लिए प्रशासन और आयोजक दोनों के बीच में समन्वय की अत्यंत कमी थी, इसीलिए दोनों को बराबर का जिम्मेदार माना जाए।